हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रेनबो पार्ट टू क्लास 12 चैप्टर 1 इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। और हम वर्ड मीनिंग अभी इसलिए देखेंगे ताकि जब हम टेक्स्ट शुरू करें तो वहाँ पर ज़्यादा समय ना लगे और आप भी प्रिपेयर हों, वर्ड्स जो हैं आपके दिमाग में हो, ताकि आपका इंटरप्रिटेशन हो वो ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और सिविलाइजेशन जो है यह नाउन है और इसका अर्थ होता है सभ्यता, विकसित संस्कृति और जीवन पद्धति वाला समाज। सिविलाइजेशन मानव समाज की एक अवस्था जो बहुत विकसित और संगठित हो। कल्चर भी नाउन है और कल्चर का अर्थ होता है कि समाज, देश आदि की प्रथाएँ, विचारधाराएँ, विश्वास या संस्कृति, यह कल्चर है। स्पिरिचुअल ये एडजेक्टिव है और ये लीडर नाउन के पहले इस्तेमाल है। स्पिरिचुअल का अर्थ जो होता है वह आत्मिक या धार्मिक होता है। नॉन वायलेंस या नाउन है, अहिंसा इसका अर्थ। वेपन का अर्थ हथियार, यह भी नाउन है। गेन वर्ब है, इसका अर्थ है प्राप्त करना। ओके, डोमिनेटेड, ये डोमिनेट वर्ब से बना है और ये वर्ब टू है। डोमिनेट का अर्थ होता है प्रभावशाली होना, हावी होना। और फैनेटिक यह नाउन है, इसका अर्थ होता है कट्टर व्यक्ति और मेनली जो है धर्म या राजनीतिक विषय में जो कट्टर हो। ऑटोबायोग्राफी जब आत्मकथा यानी खुद से लिखी हुई किसी की जीवनी, जो अपनी जीवनी खुद लिखता हो वो ऑटोबायोग्राफी हो गई। और बायोग्राफी जब जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाए। ओके, न्यूमरस मीन्स बहुत से। ओके, ये एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स जो है प्लूरल है आर्टिकल का, इसका अर्थ होता है लेख। ओकेजन नाउन है, इसका अर्थ अवसर। रिवील वर्ब है, रिवील का अर्थ होता है प्रस्तुत करना या प्रकट करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। ओके, चेस्ट यहाँ एडजेक्टिव है और चेस्ट का अर्थ होता है प्योर, विशुद्ध। इडियोमेटिक मुहावरे दार। ओके, एक्सट्रैक्ट का ये अर्थ होता है, यह वर्ब और नाउन दोनों है, यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। पुस्तक आदि से लिया गया अंश जो है एक्सट्रैक्ट कहलाता है। साउंड एडजेक्टिव है, अच्छी दशा में, स्वस्थ और सशक्त। ओके, विथ स्टूड, ये विथ स्टैंड से बना है और ये वर्ब थ्री है क्योंकि यहाँ पे हैज लगा हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हैज के बाद हम वर्ब थ्री का इस्तेमाल करते हैं। तो विथ स्टैंड का अर्थ होता है वर्ब है या सहन या बर्दाश्त करना या कर सकना। ओके, टेंडेंसी नाउन है, इसका अर्थ प्रवृत्ति है। प्रिविलेज नाउन और वर्ब दोनों तरह इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ विशेष अधिकार या लाभ है। एलिवेट वर्ब है और इसका अर्थ होता है उठाना। और मोरल बीइंग का अर्थ ह्यूमन बीइंग्स यानी बीइंग का अर्थ कह सकते हैं अस्तित्व में होने की स्थिति, अ लिविंग पर्सन या थिंग को भी हम बीइंग कहते हैं। तो यहाँ मोरल बीइंग, मोरल का अर्थ होता है नैतिक, डैट मीन्स जो कंसर्न हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसे हम मोरल बीइंग, जैसे ह्यूमन बीइंग मनुष्य जाति, तो मोरल बीइंग जो मोरलिटी यानी नैतिक बीइंग, यहाँ पे मनुष्य के नैतिक बीइंग को यह उठाता है। ओके, एलिवेट्स करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज जो है यह आई बिलीव यहाँ इवॉल्व से बना है और ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है विकसित होने या करना। एंसेस्टर यह जो है नाउन है, इसका अर्थ पूर्वज। और फेट यह भी नाउन है, इसका अर्थ भाग्य या किस्मत। फेरोस ये इजिप्ट के राजा को फेरो कहते थे। ओके, फाउंडेशन जो है न्यू है, फाउंडेशन का अर्थ। ओके, एग्जिस्ट वर्ब है जीवित रहना। फॉर्मर एडजेक्टिव है, इसका अर्थ पहले का। एंड ग्लोरी नाउन है, जिसका अर्थ होता है महान, सौंदर्य, महिमा, शोभा, प्रताप। ओके, एवॉयड वर्ब है न करना या कुछ करने से बचना, डैट इज एवॉयड। ओके, पिटिएबल एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है दयनीय। सेकेंड पैराग्राफ में इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ ये फ्रेज है, इसका अर्थ है के बीच में या के साथ साथ भी हम कह सकते हैं। ओके,
या के बीच में ही यहाँ पे ज्यादा सुटेबल अर्थ है। चार्ज यह नाउन है, इसका अर्थ आरोप। स्टोलिड स्टोलिड एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है कम बुद्धिमान, स्लो विटेड, या हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इमोशन और ज़्यादा रुचि न दिखाए और बिल्कुल सेम रहे और चेंज करने की जिसके अंदर टेंडेंसी ना हो उसे स्टोलिड कहते हैं। इंड्यूस इंड्यूस वर्ब है, इसका अर्थ होता है राजी करना, किसी से कुछ काम करवाना या उसके लिए उसे राजी करना। एडॉप्ट भी यहाँ वर्ब है, इसका अर्थ होता है अपनाना। ओके, एनविल जो है इसका वैसे हिंदी निहाई होता है, और यह एक आयरन ब्लॉक यानी लोहे का टुकड़ा होता है जिसे ब्लैक स्मिथ जो है, जब गरम गरम लोहे के टुकड़े को इस पे रख कर और इस उसपे जो है हैमर से चोट करते हैं, हथौड़े से चोट करते हैं, पीट कर उसे एक शेप देते हैं। ओके, स्टडी यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है नियमित गति से क्रमशः विकसित होना, मजबूती से जो जमा हुआ हो उसे हम स्टडी कहते हैं। यहाँ शीट एंकर, शीट एंकर का अर्थ जो होता है वह सिक्योरिटी यहाँ पे, और यह नाउन है। ओके, मोड यह भी नाउन है और इसका अर्थ प्रकार, साधन, प्रणाली या सिस्टम। ओके, ऑब्जर्वेंस यह जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है ऑब्जर्वेंस, इसका अर्थ होता है आचरण, पालन या अनुसरण। ओके, कन्वर्टिबल, कन्वर्ट प्लस एबल यानी जो बदल जाए, जो चेंज हो जाए, रूपांतरित हो सकने योग्य, इसे हम यहाँ पे यह एडजेक्टिव है। अटेंड मतलब पाना, वर्ब। ओके, अटेंड मीन्स रहना। ओके, यहाँ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नाउन है, इसका अर्थ होता है समतुल, सेम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है रेस्टलेस, रेस्टलेस जो है यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ बेचैन है। रिमेन, रिमेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है होना या रहना। इंडल्ज, इंडल्ज इन यह वर्ब है, इसका अर्थ होता है में लीन होना, लिप्त होना। पैशन, पैशन नाउन, किसी वस्तु के लिए बहुत आकर्षण, रुचि, जुनून। अनब्रिडल्ड ये एडजेक्टिव है, बेलगाम, अनियंत्रित। नेसेसरीली यह एडवर्ब है, आवश्यक रूप से। ऑफन एडवर्ब प्रायः। डिसवेडेड यह डिसवेड वर्ब से है, वर्ब यहाँ पे यह टू है। ओके, तो इसका अर्थ होता है मना करना या रोकना। लग्जरी, लग्जरीज यहाँ पे है जो प्लूरल है, और लग्जरी का अर्थ होता है दुर्लभ, आनंद, विलास की वस्तुओं का आनंद, विलासित। प्लेजा यह नाउन है, इसका अर्थ खुशी होता है। ओके, अगो, अगो का अर्थ होता है पहले। रिटेंड यह रिटेन वर्ब से बना हुआ है, यह वर्ब थर्ड है क्योंकि हैव के बाद यह इस्तेमाल हुआ है, वर्ब है और इसका अर्थ होता है बनाए रखना। कॉटेज नाउन है, यह कॉटेज, इसका अर्थ होता है कुटिया। इंडिजिनस, इंडिजिनस एडजेक्टिव है, इसका अर्थ घरेलू। ओके, लाइफ कोरोडिंग, लाइफ जीवन, और कोरोड से बना हुआ यह वर्ब कोरोडिंग है। यहाँ पे यह नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, कंपाउंड नाउन की तरह, तो क्रोडिंग जीवन को नष्ट करने वाला। यहाँ वेज नाउन है, इसका अर्थ होता है मजदूरी। फोर फादर यह नाउन है, इसका अर्थ होता है पूर्वज। ओके, स्लेव यह नाउन है, इसका अर्थ गुलाम। मोरल फाइबर यह नाउन है, इसका अर्थ होता है कैरेक्टर। डेलिब्रेशन यह नाउन है, पूर्वक जब सोच विचार किया जाए या सावधानी, विवेचना। ओके, कंसिस्टेड, कंसिस्ट से बना हुआ है, कंसिस्ट वर्ब है और इसका अर्थ होता है होना या रहना। यह स्नेयर, स्नेयर नाउन है जिसका अर्थ जाल होता है। इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस यह नाउन है, इसका अर्थ होता है बर्डन, बोझ। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलें। वाइस फ्लरिशिंग, वाइस जो है यह नाउन है और इसका अर्थ होता है बुरी आदत, दुराचार, और फ्लरिश से फ्लरिशिंग बना है। फ्लरिश का अर्थ होता है बढ़ना, फलना, फूलना, ये दोनों कंपाउंड नाउन की तरह इस्तेमाल हुए हैं। ओके, इन्फेरियर टू यह एडजेक्टिव है और डिग्री है। ओके, ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसका अर्थ होता है से कमतर होना। एथिक्स यह नाउन है, इसका अर्थ होता है नीति शास्त्र, उचित अनुचित का जो विचार होता है उसे एथिक्स कहते हैं। सोवरेन नाउन है, इसका अर्थ शासन होता है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली यह एडवर्ब, विशेष रूप से। टोलरेबली
यह भी एडवर्ब है, टोलरेब यानी जो बर्दाश्त किया जा सके, सहा जा सके, सहनीय। टाउट्स, टाउट दलाल को कहते हैं, नाउन है यह। ल्यूर फुसलाना यह वर्ब है। ओके, डिस्क्राइब वर्णन करना, डिस्क्राइब्ड डिस्क्राइब से बना हुआ है। वोटरी, वोटरी का प्लूरल है, वोटरी का प्लूरल है वोटरीज। ओके, और वोटरी का अर्थ होता है समर्थक, फॉलोअर, डिवोटेड फॉलोअर। ओके, एलिवेट यह वर्ब है, इसका अर्थ होता है उठाना। ओके, प्रोपगेट यह वर्ब है, उपदेश देना। इमोरालिटी, इमोरालिटी अनैतिकता, जो अच्छा ना हो, नैतिक नहीं हो। ओके, लेटर एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है पिछला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बी होप्स, बी होप वर्ब, इसका अर्थ होता है योग्य होना या उचित होना। क्लिंग, क्लिंग वर्ब है, चिपकना इसका अर्थ है। फ्रैंकली, फ्रैंकली एडवर्ब, इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से। शन, शन का अर्थ होता है किसी से दूर रहना। ओके, वर्शिप, वर्शिप जो है नाउन है, इसका अर्थ होता है पूजा। और ब्रूट नाउन है, बड़े आकार का शक्तिशाली पशु, क्रूर व्यक्ति। ओके, अनएडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट का अर्थ होता है मिलावट करना, और ये अनएडल्ट्रेटेड ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ होता है बिना मिलावट का। मेटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म का अर्थ होता है भौतिकवाद, यानी धन आदि भौतिक वस्तुओं को जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाने की जो प्रवृत्ति होती है। ओके, उसे हम मटेरियलिज्म कहते हैं, या नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ट्रम्फ नाउन है, ट्रम्फ का अर्थ होता है विजय। ओके, वे वर्ब है, वजन करना या तौलना। लाइकली यह एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ होता है संभावित, अपेक्षित, उपयुक्त, संभवता। ओके, सिमिलरली यह एडवर्ब है और इसका अर्थ उसी तरह। रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव अपना अपना से संबंधित, और स्पेयर्स में क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला वर्ड जो है वह डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है, इसका अर्थ होता है खास, विशेष। और कैरेक्टरिस्टिक नाउन है, इसका अर्थ विशेषता। वॉन्ट्स, इसका अर्थ चाहत, आवश्यकता, जरूरत। ओके, रेगुलेटिंग, रेगुलेट से बना हुआ और ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ओके, इसका अर्थ होता है किसी को नियंत्रित करना, रेगुलेट का अर्थ होता है। ओके, नियंत्रित करने वाला। ओके, इनसेटिएबल, इनसेटिएबलनेस, इनसेटिएबलनेस अतृप्त, यह नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ओके, डिविनिटी या नाउन, इसका अर्थ होता है देवता से संबंधित, दिव्य या दिव्यता। ओके, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का यह नाउन है, इसका अर्थ होता है संयम, शांत या नियंत्रित व्यवहार। इन स्पाइट ऑफ, ये फ्रेजल फ्रेज है और इसका अर्थ होता है के बावजूद। ओके, इमीडिएट यह एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है तुरंत। ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, अति चतुर इसका अर्थ है। इन्वेंशन, इन्वेंशन, इन्वेंशंस जो है यह नाउन है, इसका अर्थ है खोज। ओके, और मैडन, मैड से बना हुआ है, मैड का अर्थ होता है पागल करना, क्रुद्ध करना। और मैडनिंग यह जो है यानी पागल या क्रुद्ध करते हुए। और रेसिस्ट यह वर्ब है, इसका अर्थ होता है विरोध करना। मैनर यह नाउन है, इसका अर्थ है तरीका या रीति। ओके, विक्ट्री यह नाउन है, इसका अर्थ होता है जीत। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस यह जो है नाउन है, इसका अर्थ है प्रतिरोध। बार्टरिंग या बार्टर से बना हुआ है, इसका अर्थ है रुपये आदि मुद्रा के बिना वस्तुओं, सेवाओं आदि का लेन देन जो करते हैं उसे कहते हैं। ओके, यहाँ डैजल से डैजल्ड बना हुआ है, यहाँ आर के बाद इसका इस्तेमाल है। ओके, ये वर्ब टू के बाद भी वर्ब थ्री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो डैजल का अर्थ होता है चौंधिया देना, किसी को अत्यंत प्रभावित कर देना। ओके, इनेमर्ड, इनेमो से, और इनेमर का अर्थ होता है मोहित होना। ओके, इनफैक्ट, इनफैक्ट का अर्थ है वास्तव में या फ्रेज है। और सीम, SEEM, सीम मीन्स लगना, लगता है, प्रतीत होता है। एज दो या कंजंक्शन है, इसका अर्थ होता है जहाँ तक, मानो। ओके, प्रिवेंटेड,
प्रिवेंट से बना है, वर्ब टू है, प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना। ओके नेक्स्ट स्लाइड, ऑनरश, ऑनरश नाउन है, इसका अर्थ होता है बहाव। ओके अलाइव, अलाइव एडजेक्टिव है, इसका अर्थ जीवित या जिंदा। ओके और विटनेस्ड, ये विटनेस से बना हुआ है, वर्ब से बना हुआ है, इसका अर्थ है घटना का साक्षी या गवाह होना। कास्ट अ लुक, कास्ट मीन्स होता है फेंकना, लुक मीन्स नजर, नजर फेंकना यानी नजर देना यानी देखना। ओके यहाँ गिबन, गिबन जो है एक राइटर है जो इंग्लिश हिस्टोरियन है, हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहासकार हैं, और इन्होंने 18th सेंचुरी में एक किताब लिखी बहुत ही फेमस जिसका नाम था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ओके एटिक सिविलाइजेशन जो है वह यूनान की जो सभ्यता है उससे रिलेटेड है। ओके और कंस्ट्रेंड, यह कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड से वर्ब से बना है, इसका अर्थ होता है बाध्य करना। ओके ट्रेजर, ट्रेजर का अर्थ होता है खजाना, ये नाउन है, और बेरी, बेरिड, ये बेरी से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है दफनाना। सर्वाइव्ड, सर्वाइव से और सर्वाइव वर्ब है जिसका अर्थ होता है जीवित या अस्तित्व में बने रहना। सेल्फ इंडल्जेंस, इसका अर्थ होता है असंयम, सौभोग, स्वयं डूबा हुआ होना। सेल्फ डिनाइल, यह नाउन है, इसका अर्थ है स्वार्थ त्याग, या कह सकते हैं नैतिक या धार्मिक कारणों से किसी चीज को जो है वह से वंचित हो जाना, डेट इज सेल्फ डिनाइल। ओके रून, यहाँ रून जो है वह, वैसे रून वर्ब है और नाउन भी है, तो रून यहाँ पे जो है उसका अर्थ है बर्बाद हो जाना, बर्बाद, बर्बाद करना। ओके एसिमिलेट, ये वर्ब है, इसका अर्थ है कि किसी चीज़ को जोड़ना। ओके और एसिमिलेशन जो यहाँ पे है यह नाउन है, इसका अर्थ अनुरूपन, किसी चीज़ से मिलता जुलता। ओके यहाँ इनसेसेंट, इनसेसेंट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लगातार। कंफर्ट, कंफर्ट आराम को कहते हैं, और इवल एडजेक्टिव, और इसका अर्थ होता है बुरा और पापी। ओके आउटलुक नाउन है जिसका अर्थ होता है नजरिया। पेरिश वर्ब है मर जाना या नष्ट हो जाना। द गोल्डन फ्लिश, यह जो है इसका अर्थ है द ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कोई भी चीज़ जो बड़ी मुश्किल से मिले। जैसे गोल्डन फ्लिश पे एक स्टोरी है, पूरी तरह से एक मिथ है जिसे मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ओके उसके बाद हम आते हैं इनग्रेव, इनग्रेव वर्ब है जिसका अर्थ होता है आकृति उकेरना। मोटो यह नाउन है जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। ओके और यहाँ पे है प्रोफेस, यह वर्ब है जिसका अर्थ होता है अपने विश्वास मनोभाव आदि को ईमानदारी से व्यक्त करना। ओके डेलीबरेट, डेलीबरेट जो है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ है जानबूझकर सोच विचार भली भांति सोचना। ओके वॉलंटरी, वॉलंटरी का अर्थ एडजेक्टिव है स्वयं से भी अपनी इच्छा से किया गया जो काम है उसे हम कहेंगे। कंटेंटमेंट, यह कंटेंटमेंट नाउन है जिसका अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। ओके यहाँ प्रोमोट्स, प्रोमोट्स ये वर्ब है बढ़ावा देना। ओके यहाँ डिग्री, डिग्री नाउन है जिसका अर्थ मात्रा। फिजिकल, फिजिकल एडजेक्टिव है शारीरिक या भौतिक को कहेंगे। हारमोनी यह नाउन है जिसका अर्थ होता है तालमेल। हिंड्रेंस यह नाउन है रुकावट या बाधा। और डिल्यूजन यह नाउन है इसका अर्थ होता है भ्रम या भ्रांति। ओके यहाँ पे डीजेनरेट, डीजेनरेट जो है वर्ब है इसका अर्थ होता है किसी स्थिति में गिरावट आना। ओके और यह जो लास्ट में है आपका वोलप्चुअसनेस जिसका अर्थ होता है विलासिता या विलास की चीज़ों में होना, उसकी चाहत होना। ओके सरकमस्टांसिस, सरकमस्टांस नाउन है इसका अर्थ होता है हालत अवस्था परिस्थिति। और कंसंट्रेटेड ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है केंद्रित। अब हम थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, वह जो जो स्टोरी जो है गोल्डन फ्लीस पे है। ओके द गोल्डन फ्लीस यह एक ग्रीक मैथोलॉजी है। ओके और इसमें जो होता है एथमास और नेफिल्स, ये राजा और रानी होते हैं थेसले के,
और उनके दो बच्चे होते हैं। ओके, एक बच्चे का नाम हेली जो लड़की होती है, और एक एक होता है फ्रिक्सस जो लड़का होता है। ओके, जब एथमास जो किंग होता है वह रानी से जब उसका प्रेम कम हो जाता है और वह कहीं और ध्यान देने लगता है, तो रानी बहुत चिंतित हो जाती है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, और वह चाहती है कि बच्चों को कहीं भेज दिया जाए। और इसकी हिफाजत के लिए वह मर्क्यूरी, एक गॉड होता है, मर्क्यूरी को बुलाती है, और मर्क्यूरी जो है एक भेड़ देता है, और उस भेड़ की जो खाल होती है यानी ऊन, फ्लीस का अर्थ होता है ऊन, तो भेड़ की जो ऊन होती है वो गोल्ड का बना होता है, यानी गोल्डन होता है, बहुत सुनहरा होता है, गोल्ड का होता है। ओके, और इसकी एक खूबी होती है कि यह भेड़ जो है वह उड़ता है। तो यह दोनों बच्चे यानी हेली और फ्रिक्सस जो है उस पर बैठकर यात्रा करते हैं। जब वो समुद्र से जा रहे होते हैं तो समुद्र से हेली जो है वह गिर जाती है और डूब जाती है, लेकिन फ्रिक्सस जो होता है वह कोलचिस किंगडम में यानी एक दूसरे राज्य में चला जाता है, जहाँ का राजा एटिस होता है, और उसकी देखरेख में वह बढ़ने लगता है। ओके, यहाँ पे कोलचिस जो है COLCHIS, ये प्रोनाउंसिएशन में भी कॉलकिक्स भी हो सकता है, बट आई डोंट नो, या कोलचिस मैंने इसे प्रोनाउंस किया है। ओके, और यह जो है एटिस के देखभाल में बढ़ने लगता है, और जो भेड़ जो होता है उस भेड़ को बलि दे दी जाती है जुपिटर देवता को, और उसकी जो खाल होती है गोल्डन फ्लीस उसे पेड़ के बीच में छुपा दिया जाता है, और उसकी रखवाली बड़े बड़े जो है ड्रैगन करते हैं। ओके, और यह सांप और वो फ्लेम्स फेंकते हैं यानी आग फेंकते हैं। ओके, और थेसले के नज़दीक ही एक और राजा होता है जिसका एक और राजा का राज्य होता है। ओके, और वह राजा एसन होता है जिसका पुत्र जैसन रहता है, और एसिन जो है उसका एक भाई पिलियास रहता है, और राजा उसे राज्य देता है इस शर्त पर कि जब जैसन उम्र को पहुंच जाएगा तो वह उसे लौटा दिया जाएगा। लेकिन जब जैसन बड़ा हो जाता है तो पिलियास उसे एक टास्क देता है कि तुम्हें गोल्डन फ्लीस लेकर आना है अगर तुम राजा बनना चाहते हो। तो जैसन जो है मान लेता है और वह एडवेंचर के लिए चल देता है, और काफ़ी एडवेंचर होते हैं। अंत में वह राजा एटिस के पास पहुंचता है। राजा एटिस ने भी कुछ टास्क देता है इसे कि तुम्हें यह टास्क करना है अगर गोल्डन फ्लीस चाहिए तो। लेकिन एटिस की जो लड़की होती है मेडिया, वह एक जादूगरनी होती है यानी जादू जानती है, और यह इसकी काफ़ी मदद करता है जिससे यह गोल्डन फ्लीस मिलता है। तो ये गोल्डन फ्लीस, इसका अर्थ यह भी होता है कि कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही डिफिकल्ट हो उसे हम गोल्डन फ्लीस कहते हैं। तो यह वर्ड मीनिंग हमारी ख़त्म हुई, और इस वर्ड मीनिंग को आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, जब नेक्स्ट हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें कम समय लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हेल्प पहुँचा रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में बता दें। 12th के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।